आज मैं बात करूंगा बहुत ही एक साधारण आदमी के बारे में। जब हम कहानियां सुनते हैं महान लोगों की, जैसे कि एडमिरल सून शिन ली, लिंकन, नेपोलियन की, या जब हम उनकी जीवन कथाएं पढ़ते हैं, हम सोचते हैं कि ये ऐसे लोग हैं जिनसे हम बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर सकते हैं। परंतु ये ज़बरदस्त लोग महान इंसान के रूप में पैदा नहीं हुए थे। आज इस वक्त मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ एक आम आदमी के बारे में जिसे हर कोई पहचानता है। वो हम में से ही एक है। जिस इंसान के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वो है फेंसिंग के खिलाड़ी सेंग योंग पार्क, जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता था फेंसिंग में ईपी में समर ओलंपिक्स के दौरान रियो ब्राज़ील में 2016 में। पार्क ने फेंसिंग में स्वर्ण पदक जीता था ईपी के एक ज़बरदस्त खेल में। रियो ओलंपिक्स पार्क के लिए सबसे पहले ओलंपिक्स थे और वो सिर्फ 20 साल के थे और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उनका काफ़ी कम अनुभव था। उनका प्रतिद्वंद्वी एक हंगेरियन था जो विश्व स्तर पर नंबर 3 पर था, एक 42 साल का दिग्गज खिलाड़ी जिसके पास अनुभव की कोई कमी नहीं थी। जाहिर है कि ओलंपिक्स में सबने और कोरियन फेंसिंग एसोसिएशन ने ये सोचा कि ये पूरी तरह से एक तरफा मैच ही होने वाला है, पर पार्क जबरदस्त खेलते हुए जीत गए। स्कोर था 15-14। ये एक ऐसा दिलचस्प खेल था कि कोई लेखक अगर इस पर कोई कहानी लिखता उसको इसके लिए बहुत ज़्यादा खरी खोटी सुननी पड़ती। ये खेल इतना ही ज़बरदस्त और दिमाग हिला देने वाला था। ऐसा कुछ मुमकिन होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, पर ईब के खेल में ऐसा हुआ, बिल्कुल हुआ। हमें इस इवेंट को कैसे देखना चाहिए और हमें इससे क्या सीखना चाहिए? मैंने ये खेल देखा था एकदम शुरुआत से लेकर अंत तक और खेल के बाद का इंटरव्यू भी मैंने देखा था और मुझे पार्क के बचपन के बारे में पता चला और उसके जीवन के बारे में भी, और मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि उसकी जीत कोई किस्मत की बात नहीं थी। पहली बात तो ये कि वो बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करता था। वो जब तक थककर टूट नहीं जाता था वो अभ्यास करता रहता था। उसके स्कूल के कोच ने खुद ये बात कही है, पार्क कोई पैदाइशी खिलाड़ी नहीं था, ना ही खेल कूद का कोई दिग्गज था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि दूसरे बच्चों के मुकाबले वो खेल कूद में उनसे आगे था। वो बहुत ही मध्यम वर्गीय खिलाड़ी हुआ करता था, पर हाँ, वो अभ्यास करने में सबसे आगे था और उसके कोच के मुताबिक अपने प्रतिद्वंदियों के मुकाबले वो 3 घंटे ज्यादा अभ्यास किया करता था, जो दर्शाता है कि वो कितना ज्यादा अभ्यास करने की क्षमता रखता था। नेचुरल साइंस के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आसान शब्दों में, आप जितनी मेहनत करते हैं अपने आप को तैयार करने में, वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है और ना ही आपकी मेहनत बिना फल दिए कभी लुप्त होती है। एक और सिद्धांत है जिसके बारे में आप जानते ही होंगे, 10,000 घंटों का नियम। ये सिद्धांत कहता है कि 10 घंटों के विचारपूर्ण अभ्यास की जरूरत होती है किसी भी क्षेत्र में सर्वोच्च बनने के लिए, और ये दरअसल साबित भी हुआ है कई बार। ठीक इसी तरह पार्क अपने प्रतिद्वंदियों के मुकाबले में 3 घंटे ज्यादा अभ्यास किया करता था। वो ऐसा अपने स्कूल के दिनों में हर दिन किया करता था और वो ये ओलंपिक्स तक करता रहा जब वो सिर्फ 20 साल का था। ये सबसे बेहतरीन उदाहरण है 10,000 घंटे के नियम का। दूसरी बात, उसके अंदर एक कभी न खत्म होने वाली हठ थी। ये बात सच है, पार्क ने खुद इस बात को कबूल किया है। उसने कहा कि अगर वो कभी हार न माने तो आखिरकार अवसर उस तक जरूर एक दिन पहुंचेगा। वो इस बात पर दृढ़ता के साथ विश्वास रखता था कि उसे अवसर एक दिन जरूर मिलेगा। चाइना की एक पौराणिक किताब सुनजू में एक कहावत है कि अगर आप हार न माने तो कुछ भी असंभव नहीं है। दूसरे शब्दों में, सफलता उसी को कहते हैं कि आप आधे रास्ते में हार न माने। आपको कभी हार नहीं माननी चाहिए अगर आपको जीवन में सफल होना है तो। एक और बहुत ही नामी कहावत है कि पानी के लगातार एक बूंद गिरते रहने से भी पत्थर टूट सकता है। पानी की जैसी एक तरल वस्तु भी पत्थर जैसे मजबूत चीज को तोड़ सकती है अगर वो एक स्थिरता के साथ और लगातार पत्थर के ऊपर गिरती रहे तो।
ये चीज कुछ ऐसी है जो नेचर में तो होती ही रहती है। कभी न हार मानने वाले मेहनत और हठ के साथ आप जीवन में निश्चय ही सफलता को हासिल करेंगे। पार्क ने इन बातों को अपना दर्शन शास्त्र बना लिया था। तीसरी बात जो मुझे पता चली कि वो अपने खेल को बहुत एंजॉय करता था। मैंने ये उसके एक इंटरव्यू में सुना था जिसमें एक रिपोर्टर ने उससे पूछा था कि मैच को लेकर उसकी स्ट्रेटजी क्या है। पार्क ने जवाब दिया कि दरअसल मेरे पास कोई स्ट्रेटजी है ही नहीं। ओलंपिक्स किसी भी तरह से एक रोजमर्रा का खेल नहीं है, पर एक बहुत ही खास विश्व स्तरीय खेल है, तो यहाँ पर होना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं इसे एंजॉय करना चाहता हूँ और अपने खेल का पूरी पूरी तरह से लुत्फ उठाना चाहता हूँ। और सोचिए, उसने स्वर्ण पदक हासिल कर लिया। खेल के मैदान में ज्यादातर ऐसी चीजें होती रहती हैं। दरअसल मैं बेसबॉल का बहुत बड़ा फैन हूँ और जब मैं मिलिट्री में था तो मैं इस खेल को बहुत ज्यादा खेला करता था। अगर आपने मन बना लिया है कि आप बॉल को हिट करेंगे ही और इस सोच के साथ बल्ला घुमाएंगे तो ज्यादातर बॉल आपके बल्ले से चूक कर निकल जाएगी। पर अगर आप शांत मन से सिर्फ खेल को एंजॉय करने के लिए खेलेंगे तो फिर ज्यादातर चांस है कि आप होम रन जरूर मारेंगे। इस सिद्धांत को अगर दिमाग में रखें तो पार्क स्वर्ण पदक जीतने के लिए बहुत ज्यादा हटी नहीं थे। उनका ज्यादा ध्यान तो था अपने खेल को पूरी तरह से एंजॉय करने का और अपने खेल के साथ अच्छा वक्त बिताने का ओलंपिक्स में। ये पार्क की खुद बोली हुई बात है, ये उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था। दिलचस्प बात ये है कि कन्फ्यूशियस ने भी यही बात बोली थी। वो जो सिर्फ नियमों को जानता है वो उस इंसान के मुकाबले नहीं है जो उनसे प्यार करता है, और वो जो उनसे प्यार करता है उसके मुकाबले नहीं है जो उन्हें एंजॉय करता है। यही सोच एटमी के व्यवसाय को करने के लिए भी रखी जा सकती है। इस बिजनेस को जानना इसको पसंद करने जैसा नहीं है। अगर आप इस व्यवसाय को सिर्फ पसंद ना करके इसे एंजॉय करने लगे, आप 100% इस व्यवसाय में सफल जरूर होंगे। तीसरा सक्सेस फैक्टर था जो मैंने खुद ढूंढ कर निकाला था। इसका मेरे हिसाब से एक और कारण है। तीसरे राउंड से पहले एक छोटा सा अंतराल हुआ था जब स्कोर था 10-14, जिसका मतलब था कि सिर्फ एक और पॉइंट से वो हंगेरियन प्रतिद्वंदी जीत सकता था इस पूरे मैच को। विश्राम करते वक्त उसने दर्शकों में से कुछ लोगों को ये कहते हुए सुना, आप ये कर सकते हैं। ये सुनने के बाद पार्क अपने आप से कहने लगे कि मैं ये कर सकता हूँ। वो स्वयं पर नियंत्रण पाने का अभ्यास करने लगे थे। पार्क अपने आप से लगातार कहते जा रहे हैं जैसे कि वो कोई मंत्र उच्चारण कर रहे हों। वो पीछे की तरफ से आते हैं और बिजली की रफ्तार की तरह। उन्होंने ये फुटेज टीवी पर बार बार दिखाई। इसे हम कहते हैं ऑटो सजेशन। आप धीरे धीरे अपने आप को भरने लगते हैं पॉजिटिव थॉट से कि आप ये कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिक शोध के द्वारा ये जाना गया है कि आप अपने दिमाग को दो अलग भागों में विभाजित कर सकते हैं, एक कॉन्शियस और दूसरा सबकॉन्शियस। आपका कॉन्शियस माइंड वो होता है जो आपके वर्तमान को देखता है और समझता है। सबकॉन्शियस माइंड वो है जिसे फ्रॉयड कहते थे प्री कॉन्शियस माइंड। वो कुछ ऐसा हो सकता है जिससे आप अवगत नहीं है, पर जहाँ पुरानी यादें घर करती हैं। कॉन्शियसनेस प्रतिनिधित्व करता है इंसान के दिमाग के सिर्फ 10% का, ठीक एक आइसबर्ग की तरह जो कि समुद्र में पानी से सिर्फ 10% ही उसका ऊपर दिखाई देता है, जबकि उसका 90% पानी के अंदर छिपा हुआ रहता है। ठीक एक आइसबर्ग की तरह इंसानी दिमाग भी 10% कॉन्शियसनेस और 90% सबकॉन्शियसनेस से बना हुआ है। हमारा विश्वास, आदतें, व्यवहार, ये सबकॉन्शियस माइंड से बनता है। इसमें कॉन्शियस माइंड का कोई काम नहीं है। अगर आप चाहकर भी कॉन्शियसली अपना मन बनाते हैं एटमी के एक दिवसीय सेमिनार में जाने के लिए, अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको अमान्य कर देता है कुछ ऐसा जो सिर्फ MLM के लोगों के लिए है, आप चाहकर भी नहीं जाएंगे। एक इंसान जो कुछ भी करता है वो आखिरकार अपने सबकॉन्शियस माइंड की बात मानकर ही करता है। उस अंतराल के बाद पार्क के उस तीव्र गति का क्या सोचेंगे आप? क्या वो भी सबकॉन्शियस था? मेरे हिसाब से नहीं। मेरा मानना ये है कि उन्होंने अपने मस्तिष्क पर अपना कंट्रोल बना लिया था। उन्होंने ऑटो सजेशन का भरपूर अभ्यास किया था, मैं ये कर सकता हूँ। मुझे ये कैसे पता? उनके सारे इंटरव्यू से आप देख सकते हैं कि वो एक बहुत ही खुश मिजाज और बहुत पॉजिटिव सोच के इंसान हैं। वो दरअसल एक गरीब परिवार के हैं और सेकेंड हैंड चीजों से उनको अभ्यास करना पड़ता था। उनका परिवार उन्हें अभ्यास के लिए नई चीजें दिलाने के लिए सक्षम नहीं था, पर फिर भी सोचकर देखिए वो कितनी पॉजिटिव सोच वाले इंसान हैं।
इसीलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि उन्होंने अपने मस्तिष्क पर अपना नियंत्रण किया हुआ है। जब वो हार की कगार में एक बेबस से 14x10 की परिस्थिति में थे, वो अपने आप को उससे बाहर खींच कर लाए मैं ये कर सकता हूँ वाले नियंत्रण से, और उन्होंने किसी तरह अपनी उस पॉजिटिव सोच को अपनी सबकॉन्शियस माइंड में भर दिया था। आगे शोध करने पर यह भी पता चलता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड जब आपके पॉजिटिव सोच के साथ जुड़ जाता है तो आपके मस्तिष्क में सफलता की तकनीकें भी उत्पन्न होने लगती हैं, सफलता अर्जित करने के तरीके उत्पन्न होने लगते हैं। जब खेल खत्म हुआ तब पार्क ने कहा कि उन्हें नहीं पता उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को कैसे हराया, और दूसरी तरफ था विश्व स्तर पे तीसरे स्थान वाला वो हंगेरियन फेंसर जिसने अपने हाथ से जीत को फिसल जाने दिया। उसे भी ये समझ नहीं आया कि वो हार कैसे गया। ओलंपिक फेंसिंग कमेटी में सब लोग और कोरियन फेंसिंग एसोसिएशन में हर कोई एकदम हैरान हो चुका था कि ये अद्भुत घटना कैसे हो सकती है। पर ये बात कि उन्होंने रियो ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक जीता था और उन्होंने इतना असाधारण अद्भुत कमबैक किया था, इस बात को किस्मत का खेल बोलकर भुला दिया जा सकता है। पर मेरा ये मानना है कि उनके वर्षों की मेहनत और कड़ी तपस्या जो है वो आखिरकार रंग लेकर आई, और बिल्कुल सही वक्त पर उनको उस चीज का फल मिला, अपनी मेहनत का फल मिला उनको। कोई भी रॉयल मास्टर के गुणों के साथ पैदा नहीं होता है, आपको अभ्यास करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, या पार्क की तरह कभी ना हार मानने वाला इंसान बनना पड़ेगा। आपके अंदर हठ और धैर्य दोनों चीजें होनी चाहिए जो आपको किसी भी सूरत में हार नहीं मानने देगा। सिर्फ एटमी के बारे में सीखने पर ही आपको रुक नहीं जाना चाहिए, आगे चलकर अपने काम को पसंद कीजिए और फिर धीरे धीरे उस स्तर पर पहुंच जाइए जहां आप उसे एंजॉय करने लगे, तब जाकर इस व्यवसाय में आपको फल की प्राप्ति होगी। मैं इस वक्त तक एसटीएम बन जाऊंगा। अपनी पॉजिटिव एनर्जी को बनाइए और उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड में भर दीजिए। आपका सबकॉन्शियस माइंड उसके बाद आपकी सफलता की तकनीकों को उजागर करने लगेगा और आप धीरे धीरे सफलता के करीब आने लगेंगे और आपको ये पता भी नहीं चलेगा। अगर आप ये सब कुछ कर सकते हैं तो आप सब जरूर सफल बनेंगे। मेरी बात सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।